फिर एक हम जादुई दीपक बोलते हैं इसको, इसमें आप नीचे से ऑयल डालोगे तो अच्छा रिपीट वापस नहीं आएगा इसका। अच्छा जी जैसे कि पानी डाल के आपको दिखाता हूँ, हाँ जी वापस रिटर्न नहीं आएगा। अच्छा अगर आपको ऑयल वापस निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप, अच्छा और लंबी बात ही करके आप यहाँ पे 8 से 9 घंटा दीपक जला सकते हैं। अच्छा जी क्या बात है, मतलब यहाँ से आपने ऑयल डाला और निकला यहाँ से, हाँ, क्या बात है। तो ऐसा कैसे कर दिया आपने? इसके अंदर से बनावट ऐसी की गई है कि जैसे कि लंबी पाइप करके बनाई गई है, अच्छा जी आगे ऊपर तक लंबी पाइप है, जैसे नीचे रहता है तो पानी डालोगे आप तो पानी पाइप के जरिए इस साइड साइड में आ जाएगा, और जैसे सीधा करोगे तो पाइप से नीचे नहीं आएगा, साइड में आ जाएगा। अच्छा जी, ये क्या रेट में बेचते हैं आप? ये का 150 रेट है, अच्छा, और आपने ही बनाया इसको भी? ये भी हमारा आता सारी है चीज़ें जो आप यहीं पे बनाते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं? यहाँ पे सेल अच्छा कर। जी क्या बात है, देखिए ये होता है बिजनेस दोस्तों, यहीं पे बनाना और यहीं पे वापस सेल करना, और वो भी बहुत ही शानदार कलाकृति। और क्या बना रखा है विशाल जी, और बताइएगा आप। ये नॉर्मल सीढ़ी है सर, अच्छा आप इसे नॉर्मल तरीके से बजाएंगे तो इस तरह से आवाज आएगी, ऐसी। अच्छा ये चिड़िया बना रखी है, ये चिड़िया है, किस चीज़ से बनी हुई है? ये मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी से बनी, यहीं पे हाँ, आपने ही बनाई है? हमारे हाथों की बनी है। अच्छा जी अगर आप इसमें पानी भर दें जी, तो पानी भरने के बाद में इसमें रियल बटी जैसे साउंड आएगा, अच्छा जी इस तरीके से काफी अलग आवाज आएगी इसमें। सेम ही ये सीटी है और नॉर्मल पानी आपने डाला इसमें? नॉर्मल पानी डाला। अच्छा जी, तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे ये कारण है कि इसमें जिस तरह सीटी का शेप दिया गया है, हाँ जी, और इसमें जब पानी डाला जाता है तो बबल आते हैं, और बबल के कारण इसका अलग अलग तरह की आवाज आती है। अच्छा जी इसका रीजन इसमें अच्छा रियल जी, बटी साउंड तो आता ये भी सेम बन, ये भी सेम है ये जो भी आपने सेम अभी है, दिखाया? हाँ। अच्छा जी, तो यही नॉर्मल मिट्टी काम ले रखी है, और दिए वगैरह जैसे बनते हैं वैसे आपने इसको हाँ, बना रखा है? बट अच्छा इसकी इसकी जो मिट्टी होती है हाँ जी, वो हमारे तालाब की चिकनी मिट्टी होती है, अच्छा जी उससे बनाई जाती है। वो जो बाकी की मिट्टी होती है उससे कुल्हड़ वगैरह बनते हैं वो वन टाइम यूज आते हैं, ये वन टाइम यूज नहीं है, इसको आप डेली यूज कर सकते हो। अच्छा जी, तो ठीक है विशाल जी, यहाँ पे क्या रेट में बेचते हैं आप इनको? इसका रोपीज यहाँ पे 80 रुपीज़ है आगा। 80 रुपीज़ में, अच्छा जी। और क्या है आपके और पास? ये फ्लोटिंग करने वाला कछुआ है जो अच्छा पानी में फ्लोटिंग करता रहे, आप कितना भी डीप कर देंगे तो भी डूबेगा नहीं सर। अच्छा ये भी मिट्टी से बना हुआ? ये सिरामिक का है, अच्छा, जैसे कि आप इसको इतना डीप कर देंगे जी तो भी रिटर्न ऊपर आ जाएगा। ओके मैं भी देख लेता हूँ एक बार करके। अच्छा जी, और ये भी आपका सेम ही है ये ना? भी वही है। अच्छा जी इसको देखते हैं, ये देखो दोस्तों आ गया वापस, फाउंटेन है। अच्छा जी इसमें सर पीछे मोटर लगता है तो ऊपर से पानी आते आते हर कटोरी में होते होते नीचे आता है। अच्छा जी मोटर के साथ लगेगा और इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा जी ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे की ऊपर से तरफ आता नीचे है? आएगा, अच्छा जी इन सब में होते हाँ होते। होते हुए। अच्छा जी ये दीपक की जो डिजाइन में बनाए हुए हैं? अच्छा जी बहुत बढ़िया, जैसे कि बाहर इसका छोटा सा फाउंटेन चल रहा है, अच्छा जी आप देख सकते हैं कहाँ पे ये वाला? हाँ अच्छा जी, जैसे कि इसमें वायर कनेक्टिंग है, हाँ जी मोटर वगैरह लग रहा है, अच्छा जी इस तरह से पानी चलता रहता है, पानी चलता रहता है हमेशा। तो ये क्या रेट का है विशाल जी आपके यहाँ? ये यहाँ का 1700 रुपये। अच्छा जी ओनली 1700 रुपये में आपने पूरा मिट्टी से बना के और यहाँ पे आप सेल आउट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसमें वर्किंग वाला भी है नॉर्मल, अच्छा जी जिसका रेट 2200 रुपये, और वर्क बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे इसमें ये लगती है ना कि आपने जैसे मिट्टी से इनको बनाया है तो बनाने में भी बहुत ज़्यादा एक तरह से कला होनी चाहिए, हाँ वरना तो सही से दीपक भी नहीं बन पाते हैं, है ना। तो इनको बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा दोस्तों मेहनत लगती है, और इसी मेहनत के लिए आप लाइक शेयर कर सकते हैं वीडियो को। ना मैं इनके बारे में जानना चाहूँगा, ये क्या है? ये लालटेन है, अच्छा जी आप इसमें बल्ब भी लगा सकते हो, ऊपर से वायरिंग छेद दिया हुआ है, अच्छा जी लटका के वायरिंग करके बल्ब लगा सकते हैं, और दीपक के लिए भी यूज कर सकते हैं? दीपक के लिए आप ये यूज कर सकते, इसमें दीपक लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं आप। अच्छा जी तो ये दीपक की तरह भी यूज कर हाँ, सकते हैं, इसके बीच में दीपक लगा के, राइट जी। अच्छा जी घंटी भी आपने मिट्टी से बना दी है, क्या बात है क्या बात है। व्हील चैंप भी है जिसमें आवाज बहुत अच्छा आता है, जैसे कि ये अच्छा जी ये भी मिट्टी का बना हुआ? ये भी मिट्टी का, अरे वाह क्या बात है बहुत बढ़िया। तो जैसे कि इसमें ये कप है जी, ये कप है जन डेली यूज के लिए कप है, डेली यूज के लिए मिट्टी के कप, अच्छा जी आप इसको वॉश कर सकते हो आराम से, अच्छा जी रेगुलर काम में ले सकते हो। तो अभी तक हम जो कप देख रहे थे वो चीनी मिट्टी के देख रहे थे? चीनी मिट्टी के, अच्छा जी। और ये मिट्टी? ये मिट्टी के जैसे हमारे दिए वगैरह होते हैं, हाँ अच्छा जी
ये इसमें मग भी है जी, ग्लास भी है, ये सब डेली यूज के लिए, और ये थाली सेट है हमारा। अरे वाह क्या बात है विशाल जी, ये भी बना दिया आपने? ये बना, और वो भी मिट्टी से? मिट्टी का, बिल्कुल। मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह की चीजें, कहीं कोई बड़ा ऐसे मेला वगैरह लगता है और कहीं बाहर देखने को भी मिलते हैं, कुंभलगढ़ जैसी जगह पे पहली बार मैं ये चीजें देख रहा हूँ, और मुझे यकीन ही नहीं था कि ये चीजें यहाँ पे भी बना सकता है कोई। डॉक्टर वगैरह टिप्स देते हैं कि आप ना मिट्टी के बर्तन में खाया करें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और एक कम से कम यहाँ के जो कारीगर है वो भी कम से कम प्रमोट होंगे। हाँ। ये हमारे गाँव का लोकल आर्ट है मैन जी, इसमें गाँव की एक्टिविटी दिखाई जाती है, ढोल बजाते हुए लेडीज नाचते हुए, और जैसे कि ये छाछ फेरते हैं जी पुराने टाइम की, वो है इस तरह से गाँव घी निकालने का बिलोना। हाँ जी, जैसे कि पुरानी एक्टिविटी, ये वेलकम प्लेट्स है, ये गणेश जी है, सब हैंडमेड है। अच्छा जी, देखिए इसमें हमारे गांव की एक्विटी मोलेला, मोलेला गांव हमारा, वहाँ पे ये सारी मिट्टी के बनती है। अच्छा जी, प्लेट्स वगैरह टाइल्स में बनती है, और अलग अलग एक गांव की एक्टिविटी मिलेगी, आप जैसे चाहे रामायण महाभारत श्री कृष्ण रासलीला जैसे, उसमें सारी तरह की मिल जाएगी, जिसमें अलग अलग डिज़ाइन भी है आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें छोटी प्लेस है जिनका रेट 550 है, इनसे बड़ी है जिसका रेट 650 है, और उनसे बड़ी जिसकी वो अभी सारे क्या है स्टॉक खत्म हो गया। अच्छा जी, दीपावली के कारण, दीपावली के कारण अभी। दोस्तों अब आपके लिए मैंने वीडियो तो बना दिया, और पहले मैं यहाँ पे विशाल जी के जो बार कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं वो आपको दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पर अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ, अपने घर के लिए कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ। ये यहाँ पे इनका एड्रेस दिया हुआ है, श्री जी टेराकोटा आर्ट माटी कला, और ऊपर देखो इनके नंबर दिए गए हैं, मैं पास ले जाके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप कमेंट बहुत करते हैं कि नंबर दो नंबर दो। और ये कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ फोर्ट महाराणा प्रताप जी के कारण से प्रसिद्ध है पूरे देश दुनिया में, तो आप जानते हैं, जब भी आप आए देखो आसपास बहुत सारी होटल्स हैं, और यहाँ पे इनका ये शॉप है, आपको दिख जाएगा, वरना आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको बता देंगे। अब आपके लिए तो मैंने बना दिया, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं, अब मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ कुछ चीज़ें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।